नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग फ़ोन के बारे में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहे, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1 पर जो फ़ोन आता है Honor Play 3, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड वर्जन V9 Pie के साथ साथ 4GB रैम सिलिकॉन क्रीम 710F का प्रोसेसर। डिस्प्ले इधर देखने को मिल जाएगा 6.39 इंच का HD+ डिस्प्ले। स्क्रीन इधर IPS LCD मिल जाएगा। साथ ही साथ बात किया जाए कैमरा की तो ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का इधर आपको मिल जाएगा। बात किया जाए इसकी स्टोरेज की तो इधर आप लोग को 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। 512 तक इधर आप लोग यूज़ कर सकते हो। 4000mAh का बैटरी मिल जाएगा, पर दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आप लोगों को इसमें नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों वही बात किया जाए इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की तो दोस्तों 10,000 के अंदर ये फोन आप लोगों को मिल जाएगा। वही बात किया जाए इसकी लॉन्च की तो दोस्तों नवंबर के स्टार्टिंग में ही ये फोन आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलने वाला है। नंबर 2 पे जो फोन आता है Redmi Note 8, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड वर्जन V9 Pie के साथ साथ 4GB का रैम, स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर। बात किया जाए इसकी डिस्प्ले की तो दोस्तों इधर आप लोगों को मिल जाएगा 6.39 इंच का फुल HD डिस्प्ले। स्क्रीन इधर IPS LCD मिलने वाला है। कैमरा इधर आप लोगों को 4 रेयर क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा इधर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। वही बात किया जाए इसकी स्टोरेज की, स्टोरेज इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 64GB का इंटरनल स्टोरेज, 4000mAh का बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात कर दे कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कितना इसका प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों प्राइस इसका होने वाला है 10,000 के अंदर ये फोन आप लोगों को इंडिया में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो रिलीज डेट होने वाला है 2 नवंबर तक ये फोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात आप लोगों के लिए फिर से होने वाला है। नंबर 3 पे जो फोन आता है Huawei Enjoy 10 Plus, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड वर्जन V9 Pie के साथ साथ 4GB का रैम, सिलिकॉन क्रीम 710F का प्रोसेसर। बात करें इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले इधर आप लोगों को 6.59 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। IPS LCD स्क्रीन होने वाला है। बात किया जाए इसकी ट्रिपल रेयर कैमरा की, कैमरा इधर आप लोगों को 48+8+2 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा इधर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। स्टोरेज इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 128GB का इंटरनल स्टोरेज, 512 तक इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। 4000mAh का बैटरी, पर दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें आप लोगों को नहीं मिलने वाला। वही दोस्तों बात कर दे इसके प्राइस की तो दोस्तों इसका प्राइस जो होने वाला है 15,000 के अंदर ये फोन आप लोगों को इंडिया में मिलने वाला है। वही बात कर दे इसका रिलीज डेट की तो दोस्तों 13 नवंबर तक ये फोन जो है आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस में ये फोन बहुत ही बेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। नंबर 4 पर जो फोन आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A20s, इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड वर्जन V9 Pie के साथ साथ 3GB रैम, स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर। डिस्प्ले इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले। TFT का स्क्रीन इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वही बात कर दे इसके कैमरा की तो दोस्तों 13+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। वही दोस्तों बात कर दे इसकी स्टोरेज की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, 4000mAh का बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। वही बात कर दे इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की तो दोस्तों प्राइस जो होने वाला इधर आप लोग को मिलने वाला है इंडिया में दोस्तों बहुत ही अच्छा प्राइस में, जो कि आने वाले 10,000 के अंदर ये फोन आप लोगों को मिल जाएगा। वही बात करते हैं इसकी रिलीज डेट की तो दोस्तों ये फोन आप लोगों को जो है नवंबर तक ये फोन आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात आप लोगों के लिए होने वाला है। लास्ट पे जो फोन आता है बहुत ही गजब का फोन है लेनोवो की तरफ से K6 Enjoy, जो कि आने वाला है एंड्रॉइड वर्जन V9 Pie के साथ साथ 4GB का मीडियाटेक कहिलो P22 का प्रोसेसर के साथ। वही बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 6.22 इंच का HD+ डिस्प्ले। स्क्रीन इधर आप लोगों को IPS LCD मिल जाएगा। वही बात करते हैं इसके कैमरा की, ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा इधर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का होने वाला है। वही दोस्तों बात करते हैं इसका स्टोरेज की, स्टोरेज इधर आप लोगों को 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। 256 को आप लोग यूज़ कर सकते हो। 3300mAh का बैटरी मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट में आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। वही दोस्तों बात कर दे इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की, एक्सपेक्टेड प्राइस जो होने वाला दोस्तों 12,000 के अंदर ये फोन आप लोगों को इंडिया में मिल जाएगा। वही दोस्तों बात कर दे इसकी रिलीज डेट की तो दोस्तों ये फोन आप लोगों को जो मिलने वाला है नवंबर महीने में, ये फोन जो है इंडिया में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे एक्सपेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ इसी तरह एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।